जिंदगी में कभी कभी कुछ ठोकरें बहुत जरूरी होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है ठोकर। आज मैं जिस कमरे में बैठकर ये कहानी लिख रहा हूँ ये हमेशा से मेरा नहीं था। अभी साल भर पहले ही तो यहाँ आना हुआ है मेरा। इससे पहले हम किराए के कमरे में रहते थे। माँ कहती है कि तकरीबन 23 सालों से हम किराए के घरों में ही रहे। मैं छोटा सा था जब पापा मुझे और मम्मी को लेकर इस शहर में आ गए थे। पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए मैं जानता था कि पैसों की अहमियत क्या होती है। लोगों को कहते सुना है मैंने कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, लेकिन मैंने महसूस किया है कि हाँ, असल में पैसे बहुत मेहनतों से कमाए जाते हैं, वो पेड़ पर तो कभी उग ही नहीं सकते। पापा जब थक हार कर शाम को घर आते थे, मैं उनकी गोद में उछल कर चला जाता था। पापा को गले लगाकर एक अलग ही खुशी होती थी मुझे। पापा ने कभी नहीं दिखाया कि वो थके हुए, और वो मुझे टाइट गले से लगाकर मुस्कुराने लगते थे। एक बेटा जो दिन भर अपने पिता से दूर रहता हो, वो शाम को अपने पिता को देखकर कैसे खुश नहीं होगा। उसके पापा खाने के लिए कुछ खास चीजें जो लाते थे, कभी टॉफी, कभी कोई खास बिस्किट, तो कभी गुड़िया के बाल। पापा के बैग में ना हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। वक्त बढ़ता गया और मैं अब धीरे धीरे बदलने लगा। बड़े होते बच्चे जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन उनका मोह अपनों से कम होता जाता है। अब पापा आते तो थे, लेकिन मैं अपने कमरे में चुपचाप मोबाइल में लगा रहता था। वो मेरे कमरे में आते, मुझे देखते और चले जाते। अब पापा और मेरे बीच बातचीत बिल्कुल कम हो गई थी। कभी फीस के पैसे मांगने होते तो मैं माँ से कह देता, माँ पिताजी को कहती, और पिताजी कभी तो पैसे पकड़ा देते, कभी कभी माँ को कहते, क्यों, वो खुद नहीं बोल सकता, तुम क्यों उसकी तरफदारी करती रहती हो। मैं समझता था पापा जी पुरानी सोच के, उनको क्या पता है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। वैसे भी अब मैं बच्चा थोड़ा ना हूं जो हर बात के लिए हिसाब किताब देता फिरूं। माँ जब पापा को कभी कभी ये बात बता देती तो पिताजी मेरे कमरे के बाहर आकर बोलते, सही है, जवानी का खून अपने अलावा किसको सही समझता है। उन दिनों कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा और मेरे संबंध बहुत बिगड़ गए थे। मैं सोचता भी था कभी कभी, यार मुझे हो क्या गया, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो एक दौर था जो मेरी जिंदगी में घमंड को ले आया था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूं। अपनी जिद पर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। पापा कहते थे कि कुछ ऐसा करो जिसमें तुमको अच्छा लगे। मैं हंसकर उनकी बात टाल देता था। बहुत मेहनत की, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार मैं हारता चला गया। इंसान का घमंड परिस्थितियां ही बनाती हैं और वही तोड़ भी देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्में देखकर, दो चार किताबें पढ़कर मैं मॉडर्न और इंटेलेक्चुअल होने का जो फर्जी चोगा ओढ़ कर बैठा था ना, वो मेरी कुछ असफलताओं ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस दिन मैं शाम को भारी मन से माँ के पास गया और उनको बताया कि माँ मैं नहीं जीत पाया। थोड़ी सी देर में पापा भी आ गए। मैं उठकर जाने लगा तो माँ ने रोक लिया। मुझे सामने देखकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने भी औपचारिक मुस्कुराहट दे दी। वो शाम मैंने पापा को बताया कि पापा मैं फेल हो गया। पापा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, एग्जाम था बेटा, जिंदगी थोड़ी, देख खुद को, तू क्या अच्छा कर सकता है वो कर, मत कर वो सब जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। अगले दिन से मैंने भी अपने शहर में नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एक दिन एक नौकरी मिल ही गई। फिर थोड़ी थोड़ी बचत करके पापा और मैंने मिलकर इस शहर में एक घर बना लिया। अब मैं और बाबा इस कमरे में बैठकर बातें करते हैं, जिंदगी के प्लान बनाते हैं और खुश रहते हैं। जिंदगी में कई बार ठोकरें अच्छे मकसद के लिए भी लगती हैं, और मेरी हार हमारे परिवार को फिर से करीब ले आई। इससे ज्यादा क्या चाहिए था हमें।